चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। देखेंगे हम प्लांट्स आप बॉटनी में देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम स्टार्ट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पर फिलहाल इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो, दिस इज ग्रोथ, जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने साइज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑर्गन्स में मेच्योरिटी आ रही है, इंक्रीज हो रहा है साइज ऑर्गन्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे ग्रोथ। जबकि अगर यहाँ हम बात करें तो ये है डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप कर रहा है, ठीक है, अपने ऑर्गन्स को डेवलप कर रहा है। यहाँ ऑर्गन्स बहुत इमेच्योर हैं, यहाँ थोड़े और ज़्यादा मेच्योर हैं, यहाँ और ज़्यादा मेच्योर हैं, और उसके बाद और ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ साइज इंक्रीज नहीं कर रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, यहाँ पर ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो ऑर्गन की डेवलपमेंट या उसके साइज का ग्रो करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करें जो कि एम्ब्रियो की हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कि गेमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, गेमेट फॉर्मेशन, गेमेटोजेनेसिस है, गेमेट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद गेमेट फॉर्मेशन में हमने देखा था कि स्पर्म्स फॉर्म हुए, एग फॉर्म हुआ, ठीक है। अब उन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि एग की फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है स्टेप, दिस इज क्लीवेज। उसके बाद हमारे पास आएगा गेस्टुलेशन, देन वी हैव ऑर्गेनोजेनेसिस, और उसके बाद ग्रोथ, ठीक है। ये वो स्टेजेस हैं जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। इन्हें वन बाय वन हम देखेंगे, जिसमें से गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन हम रिप्रोडक्शन में देख भी चुके हैं, ठीक है। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये मीटोजेनेसिस हुई, स्पर्म फॉर्म हुआ, ओवा फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इनमें से किसी एक स्पर्म ने ओवा को फर्टिलाइज किया, स्टेप कौन सा आ गया, फर्टिलाइजेशन का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म हुआ है, एक सेल ऐसा फॉर्म हुआ है जो कि डिप्लॉइड है, और इसे हम कहेंगे जाइगोट। अब डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो रही हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक जाइगोट है, सिंगल सेल्ड है। यहाँ ये जाइगोट अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ठीक है। ये जाइगोट अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल्स फॉर्म करेगा। तो एक सीरीज होगी माइटोटिक डिवीजन की, जिसके थ्रू डिफरेंट डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने वाली वो ये है कि यहाँ देखो, जितना साइज जाइगोट का है उतना ही साइज आपको क्लीवेज के बाद यहाँ नजर आ रहा, ठीक है। तो फिलहाल साइज में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज, इसे हम क्या कह रहे हैं, क्लीवेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाइगोट ने डिफरेंट डॉटर सेल्स फॉर्म किए हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, सिंपल, ठीक है। तो इस वक्त जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कोई बॉल होती है, ठीक है। तो सेल्स की बॉल फॉर्म हो गई है, बिल्कुल वैसे जैसे कॉक की बॉल होती है ना, सॉलिड बॉल होती है, अंदर से हॉलो नहीं होती, जैसे टेनिस बॉल होती है अंदर से हॉलो होती है, फुटबॉल होती है अंदर से हॉलो होती है, लेकिन जो कॉक वाली बॉल होती है रेड कलर की जो मैच में यूज करते हैं, गोल बॉल कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। तो ये वो सॉलिड बॉल है। तो जाइगोट के बाद क्लीवेज हुआ, जिसमें माइटोटिकली डिवाइड किया है सेल ने अपने आप, कुछ डॉटर सेल्स फॉर्म हुए, लेकिन इस वक्त ये स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड बॉल की तरह है। इस टाइम पर, इस स्टेज को हम कहेंगे मॉर्यूला। ये स्टेज क्या है, मॉर्यूला, राइट। अब यही सेल्स जिन्होंने ये सॉलिड बॉल फॉर्म की थी, ये सेल्स एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। दीज सेल्स आर गोइंग टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और एक
मार्जिन में स्फेरिकल फॉर्म में अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से बीच में एक हॉलो सी कैविटी आ जाएगी। और अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे एक हॉलो बॉल होती है, जैसे वो हम बचपन में कहते हैं ना किमची बॉल, ग्रीन कलर की जो होती है, ठीक है, जैसे हम टेनिस बॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर हो जाए, क्योंकि अंदर से कैसा है, हॉलो है, और सारे सेल्स कहाँ आ गए, मार्जिन में यहाँ पर। अब ये वाली जो बॉल है ना, जो अंदर से हॉलो है, दिस इज नोन एज ब्लास्ट ट्यूबुला। इस स्टेज में हम इसे क्या कहेंगे, ब्लास्ट ट्यूबुला। अंदर जो होलो कैविटी फॉर्म हुई है उसे हमने कहते हैं ब्लास्टो सील, सीलोम से निकला कैविटी से, क्योंकि ब्लास्ट ट्यूबुला की है तो ब्लास्टो सील कह दिया। इस कैविटी में कोई हवा शवा नहीं है, इस कैविटी में क्या होगा, इस कैविटी में होगा फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम कहेंगे ब्लास्टो ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये हॉलो बॉल है, बॉल है, ठीक है, और इन्हीं सेल्स ने, मॉड्यूला के सेल्स ने ही अपने आप को मार्जिनली अरेंज किया है, ठीक है। बीच में कैविटी फॉर्म हुए हैं जिसे हमने क्या कह दिया, ब्लास्टो सील कह दिया, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी। फिर दूसरी बात हमने क्या की है कि इस स्टेज पर हम इसे क्या कहेंगे, ब्लास्ट ट्यूबुला कहेंगे, राइट, हॉलो बॉल की तरह का एक स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें होगा ये कि ये जो सेल्स यहाँ पर अरेंज्ड, इन सेल्स में से कुछ सेल्स इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेंगे, इनवॉल्व, इन सेल्स की इन्वेजिनेशन हो रही है इनवॉल्व, ठीक है, जिसकी वजह से एक पोर डेवलप होगा यहाँ पर। ये पूरी एक बॉल है, ये तो हम कट करके देख रहे हैं, ये पूरी एक बॉल है, और इस पूरी बॉल में किसी एक रीजन से कुछ सेल्स इनसाइड माइग्रेट कर रहा है। दिस माइग्रेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज इन्वेजिनेशन, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल्स हो रही है। अब जब ये सेल्स इन्वेजिनेट कर रहे हैं इनवर्ड्स, तो बाहर से ये जो बॉल है ना, एक तो अंदर से हॉलो है और बाहर से ये बॉल हमें बिल्कुल फुटबॉल की तरह लग रही है। फुटबॉल में आपको याद है एक छोटा सा सुराख होता है जिससे हम हवा भरते हैं फुटबॉल में, ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बॉल है, राइट, जिसमें एक छोटा सा कोर नजर आ रहा है बाहर से, लेकिन हमें अंदर से पता है ये कोर सुराख वाला नहीं है, मतलब ये अंदर इमेजिनेशन नहीं है सर उसकी, ठीक है। और बाहर से एक बॉल है जो कि अंदर से फिलहाल हॉलो है। तो ये बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल होगी जैसे वो डोनट आइसक्रीम का एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आया था, वो एक बॉल होती है, वो छक्का मारता है, वो कैच पकड़ता है, तो कहते हैं तो पकड़ ही नहीं सकता, डोनट जाता है जिम, डोनट जाके कैच पकड़ लेता है, कहते हैं अरे ये गोल है, फिर कहता है अरे इसमें होल है, तो ये भी गोल है और इसमें होल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी फुटबॉल है। अच्छा, अब ये जो सेल्स इमेजिनेट करके इनवर्ड मूव कर रहे हैं, ये पोर क्या कहलाएगा, ब्लास्टो पोर, ठीक है। अब ये सेल्स जो इमेजिनेट कर रहे हैं इनवर्ड, ये जो लेयर फॉर्म करेंगे, इस लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म, और ये जो आउटर लेयर रह जाएगी सेल्स की, ये वाले सेल्स क्या, ये वाली लेयर क्या कहलाएगी, एक्टोडर्म। तो अगर तो डिप्लोब्लास्टिक है तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही फॉर्म होती है, पर आपको याद होगा हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि अगर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो फ्रॉम द जंक्शन ऑफ दिस एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, यहाँ बीच में से, यहाँ से मेसोडर्म में सेल्स अराइज होंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी मेसोडर्म में सेल्स अराइज होंगे, तो फिर तीन लेयर्स हो जाएंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेज है ना, जिसमें ये जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ दीज जर्मिनल लेयर्स, ठीक है, जिसमें हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की बात करें, तीनों जर्मिनल लेयर्स कहलाती है ना, ठीक है। तो इस स्टेज पे हम इसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रियुला। और ये प्रोसेस क्या है, गैस्ट्रियुलेशन, जिसमें सेल्स ने इन्वेजिनेट किया है, एंडोडर्म फॉर्म किया है,
और फिर एंडोडर्म और एक्टोडर्म का जंक्शन यहाँ से मेसोडर्म फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस स्टेज पे, जैसे स्टेज पे ये तीनों लेयर्स फॉर्म होंगी, या जिसमें भी दो लेयर्स फॉर्म होंगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रियोला की स्टेज कहेंगे। और ये प्रोसेस क्या है, गैस्ट्रोलेशन। सही, तो अब तक हमने कहा कि गैमेटोजेनेसिस हुआ, फॉर्म ने एक्रोफर्टिलाइज किया, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट ने माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक सॉलिड बॉल फॉर्म की है, जिसे हमने मॉड्यूला कहा। मॉड्यूला के सेल्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा शुरू हुए और मार्जिन में अरेंज हो गए, एक हॉलो बॉल फॉर्म किया है, ब्लास्टुला, अंदर ब्लास्टोसील मौजूद है जो कि फ्लूइड फिल्ड है। ये वाली जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सॉरी इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लास्टुलेशन, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने कहा इसी ब्लास्टुला में एक पोर डेवलप होगा, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहेंगे, वो है बिकॉज ऑफ द इन्वेजिनेशन ऑफ दीज मार्जिनल सेल्स, ठीक है। और इस स्टेज पे जब ये मार्जिनल सेल्स एंडोडर्म फॉर्म कर रहे हैं, एक्टोडर्म फॉर्म कर रहे हैं, बीच में मेसोडर्म आएगी, हम इसे कह देंगे गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। अब ये हो गया गैस्ट्रोलेशन तक, फिर तीन जर्मिनल लेयर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो तीन जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, आपको पता है हमने फर्स्ट टाइम में कहा था कि हर जर्मिनल लेयर कोई ऑर्गन्स फॉर्म कर रही होती है, जैसे हमने कहा था एंडोडर्म हमारी गट फॉर्म करेगी, यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो मेसोडर्म होगी वो हमारे मसल्स और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, एक्टोडर्म हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये जो लेयर्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, ये अब हमारे ऑर्गन्स को डेवलप करना स्टार्ट करेगी, हमारे ऑर्गन्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब इस स्टेज पर हम इस एम्ब्रियो को अब हम इस स्टेज पर क्या कहेंगे कि ये हो रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस, यहाँ से देखो तो इस स्टेज से ऑर्गन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ऑर्गेनोजेनेसिस। इससे पहले क्या हो रहा था, जायगोट था, जायगोट में फर्टिलाइज सॉरी एग में स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया था, जायगोट फॉर्म हुआ था। फिर हमने देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो स्टेजेस चली थी, क्लोवेज, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन। अब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हुआ है, जिसमें ऑर्गन्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गन्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। फिर आपने देखे यहाँ पर एक इंडिविजुअल फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ साइज में ग्रो करेगा अपने आप, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। तो द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है, टू अटेन मैच्योरिटी, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेज क्या है, ग्रोथ। अब हमारे कोर्स में जो है ना वो है ये चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है। तो चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जाहिर सी बात है एग में होगी, तो पहले हम एग देख लेते हैं कि एग कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा। तो अंडा तो सबने देखा होगा, और मुर्गी का तो सबने देखा है, वो बात अलग है कि आजकल तो बत्तख के और पता नहीं कौन कौन से हम खा रहे हैं हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लेबल्ड स्ट्रक्चर है एग का, ठीक है, और ये पेपर में भी आता है। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग आपको पता है शेल, जिसे हम एग शेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो मेम्ब्रेन हैं, ये दो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। एक को हम कह देंगे जो आउटर है, आउटर वाली को हम कह देंगे आउटर शेल मेम्ब्रेन, इनर वाली को हम कह देंगे इनर शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। शेल के बाद जो दो मेम्ब्रेन आएंगी उनमें से एक आउटर शेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, एक इनर शेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। फिर आपको पता है जब हम एग बॉयल करते हैं, तो बॉयल एग में आपको यहाँ पे छोटी सी स्पेस नजर आती है, दिस स्पेस इज नोन एज एयर स्पेस, जो कि गैसियस स्ट्रीम में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो वाइट वाला रीजन होता है, ये क्या है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि एक ये रोप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, ये जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसका नाम है चलाजा, तो चलाजा भी बोलते हैं, ठीक है, चलाजा।
ये जो रोक लाइक स्ट्रक्चर, इसका काम क्या है कि ये योक को शॉक से बचाता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर है, योक को शॉक से बचाता है, या ये योक को बीच में ही रखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इस येलो वाले रीजन में, जिसे हम क्या कहते हैं, योक कहते हैं। और इस योक में भी हमें कुछ जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इन एक्चुअल ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये योक ही है पूरी, लेकिन कुछ वाइट योक है, कुछ येलो योक है, ठीक है। वो लेयर जिसने इस योक को सराउंड करके रखा हुआ है, ठीक है, वो लेयर कहलाती है विटिलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, VITELLINE, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये शायद आपके बुक में लेबल्ड होगी। इसके बाद आपको ये छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिव साइटोप्लाज्म या पे ब्लास्टो डिस्क। इन एक्चुअल ये जाइगोट है, ठीक है, ये क्या है, ये जाइगोट है, एम्ब्रियो यहाँ पर डेवलप करेगा। और ये इतनी सारी योक इसलिए है क्योंकि आपको याद है हमने कहा था कि बर्ड्स में, यानी अगर यहाँ हम चिकन की बात करें तो चिकन का ही, सॉरी एग, हेन का एग है, ठीक है, तो ये एग आउटसाइड द बॉडी डेवलप करेगा, तो प्लासेंटा मौजूद नहीं है यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत सारे योग दिए। पॉलीलेसिकल टाइप का ये एग है, पॉलीलेसिकल बोले तो बहुत सारी योग, ठीक है, पॉली बहुत सारी है, लेसिकल योग, ठीक है, तो उसे हम पॉलीलेसिकल एग कहते हैं, जिसमें योग बहुत ज़्यादा है। ये चुनना मुनासा जाइगोट है, यही डेवलप करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, चिक फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, एग का। अच्छा, ये तो गर्ल्स ने तो सबने देखा होगा, बॉयज का मुझे पता नहीं है। जब हम अंडा तोड़ते हैं तो हमें ये इस तरह का रोकड़े का स्ट्रक्चर नजर आता है, ये चलाएगा होता है, ये सारा क्या है बाहर, एल्ब्यूमिन, ये योक है जिस जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया है इस योग को, वो क्या कहलाती है, विटिलाइन मेम्ब्रेन। ये छोटा सा ब्लास्ट डॉन नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर छोटा सा, ये जाइगोट है एक्चुअली, ठीक है, यहीं पर एम्ब्रियो फॉर्म होगा और आगे फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस चलेंगे, मॉड्यूलर क्लेवेज सब यहीं होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा नज़र आ रहा है, सही कहें, ठीक है। तो आप जब भी देखोगे कि आप एग को ब्रेक करते हो तो आप योक के ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का स्पॉट देखते हो, तो ये स्पॉट असल में ब्लास्टो डिस्क होती है, ठीक है। यहाँ ब्लास्टोडर्म हम तब बोलते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी ब्लास्टोडर्म की, ठीक है। इन एक्चुअल ये ब्लास्टो डिस्क होती है, बिल्कुल वैसे जैसे ये ना तैर रही होती है एक तरह से, ये डिस्क इस योक के ऊपर फ्लोट कर रही होती, ठीक है, डिस्क की तरह, इसलिए हम उसे ब्लास्टो डिस्क बोलते हैं। ये है डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, जिसको हम कंप्लीट तो आज नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्लोएज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो ब्लास्टो डिस्क थी ना ऊपर चुन्नी-मुन्नी से, ये वाला पोल कहलाता है एनिमल पोल, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, जाइगोट। यहाँ पे जहाँ जिस पोल पे योक मौजूद है उसे हम कहेंगे वेजिटल पोल। जैसे ये एग है, तो ये इसका, इस एग का एनिमल पोल है, जहाँ पे क्या मौजूद है, ये जाइगोट मौजूद है, यानी कि ये एम्ब्रियो बनेगा, डेवलप करेगा। और जहाँ पे इसका खाना शाना मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटल पोल, ठीक है। ये वेजिटल पोल है और ये एनिमल पोल। तो यहाँ पर आपको ये ब्लास्टो डिस्क नजर आ रही है, ठीक है। अब पूरी योक नहीं दिखाई उन्होंने, ये जो ऊपर तैर रही थी ना, फ्लोट कर रही थी वाइट कलर की डिस्क, ये वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्क है ना, हमने कहा फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्लीवेज का, जाइगोट जो फॉर्म हुआ था, ये जाइगोट क्या करेगा, क्लीवेज के थ्रू इस तरह से माइटोटिकली डिवाइड करके कुछ सेल्स का एक मास बना लेगा, जिसे हम मॉड्यूला कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि ये डिस्क की फॉर्म में मौजूद है ना, ये डिस्क की फॉर्म में मौजूद है, इसलिए हम इस क्लीवेज को, जो क्लीवेज इस जाइगोट में होगी, डिस्कोइडल क्लीवेज कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्क की तरह फ्लोट कर रहा है योग के ऊपर, इसीलिए इसकी क्लीवेज को हम डिस्कॉइडल क्लीवेज कहेंगे। लेकिन ये डिस्कॉइडल क्लीवेज किस टाइप की क्लीवेज है? ये है नीरोब्लास्टिक क्लीवेज, या इसे हम इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहते हैं। ठीक है, नीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ही जाइगोट दो में डिवाइड हुआ होगा, फिर ये इस तरह से फोर में डिवाइड हो रहा है, फिर एट में डिवाइड होगा एंड ऑल। यहाँ पर ये क्लीवेज है नीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज। मैं देखो ये दो में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी ये दो में कम्प्लीटली डिवाइड हुआ नहीं है कि तीसरी डिवीजन स्टार्ट हो गई। अभी तीसरी डिवीजन भी कम्प्लीट नहीं हुई थी कि फोर्थ डिवीजन स्टार्ट हो गई। अभी फोर्थ कम्प्लीट नहीं हुई थी कि फिफ्थ डिवीजन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये पहले ऐसा नहीं होगा कि पहले एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डिवीजन कर रहे हैं, इनकम्प्लीट क्लीवेज कर रहे हैं, जिसमें सेल अभी दो में डिवाइड होता नहीं है कि सेकंड क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है फोर में डिवाइड होने के लिए। अभी फोर में कम्प्लीटली डिवाइड होता नहीं है कि एट में डिवाइड होने वाली क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। अभी एट वाली कम्प्लीट नहीं होगी तो सिक्सटीन वाली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नीरोब्लास्टिक क्लीवेज कर जाती है, यहाँ हम इसे इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है। और अगर कंप्लीट क्लीवेज होगी जैसे यहाँ नजर आ रही है, कंप्लीट टू सेल में डिवाइड हुआ होगा ये पहले, फिर ये कंप्लीट इन फोर सेल में डिवाइड हुआ है, फिर कंप्लीट एट सेल में डिवाइड हुआ है, इसे हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन यहाँ टिप एम्ब्रियो में क्या है, नीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इनकम्प्लीट क्लीवेज। हाँ, अब क्लीवेज के बाद क्या फॉर्म होता था, एक सॉलिड मास। ठीक है, उस सॉलिड मास को हम क्या कहते थे, मॉल्यूला। ये पूरी योग नजर आ रही है, और उस योग पे प्रेजेंट जो एनिमल पोल पे प्रेजेंट जाइगोट था, उसने देखो मॉड्यूला वाली स्टेज, यानी कि सॉलिड बॉल वाली स्टेज डेवलप कर ली। ठीक है, जब मैंने इसको कट करके देखा तो मुझे ये ऐसी नजर आई, ये नीचे पूरी योग थी फुल गोल। ठीक है, पूरी गोल सी फुल योग थी, और योग के ऊपर एक डिस्क थी जो कि फ्लोट कर रही थी, और उस डिस्क में बहुत सारे सेल्स थे जिनमें कोई कैविटी शेविटी नहीं। ये देखो बहुत सारे सेल्स हैं, एक सॉलिड मास फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिस्कॉइडल क्लीवेज तो डिस्क की फॉर्म में है, यहाँ पे हमने डिस्कॉइडल नहीं देखा था, तो यहाँ पे पूरी बॉल नजर आ रही, लेकिन वहाँ क्योंकि डिस्कॉइडल है तो एक डिस्क नजर आ रही है, और इन सेल्स के बीच में कोई गैप नजर नहीं आ रहा। तो ये स्टेज क्या हुई, मॉड्यूला। ठीक है, और इस लेयर पे जो लेयर फॉर्म हुई है इसे हमने कहते हैं ब्लास्टोडर्म। अब नीचे बहुत सारी योग है, योग और इस मॉड्यूला यानी इस ब्लास्टोडर्म के बीच में बहुत थोड़ी सी एक स्पेस आ गई, इसे हमने सब जर्मिनल स्पेस कह दिया। ठीक है, यहाँ सब जर्मिनल क्या रखी है, देखो ये पूरी योग है, इस योग के ऊपर ये कौन तैर रहा है, ये फ्लोट कर रही है हमारी ब्लास्टोडर्म। ठीक है, अब इस ब्लास्टोडर्म में काम हुआ है वो ये कि मॉड्यूला में क्या होना था, हमने कहा था ना कि वो सेल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे। नाउ द सेल्स ऑफ दिस ब्लास्टोडर्म आर गोइंग टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और बीच में आपको देखो स्पेस नजर आना स्टार्ट हो गई, ये वाली। अब ये स्टेज मॉड्यूला नहीं रहे, ये कौन सी वाली हो गई है, वो हॉलो वाली। अब ये स्टेज क्या हो गई है, ब्लास्टुला। ठीक है, प्रोसेस क्या है, ब्लास्टुलेशन। ठीक है, जो अंदर कैविटी फॉर्म हुई है उसे हमने ब्लास्टो सील कह दिया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी। और क्योंकि ये डिस्क थी तो एक लेयर सेल्स के ऊपर चले गई है, एक लेयर सेल्स के नीचे आ गई है, तो हमने ऊपर वाली लेयर को एपी ब्लास्ट कह दिया है, नीचे वाली लेयर को हाइपो ब्लास्ट कह। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है, ब्लास्टुलेशन, जिसमें कैविटी अपीयर हो चुकी है। ठीक है, वही होलो बोल वाली जिसे हमने ब्लास्टोसील कहा है,
फ्लूइड फिल्ड होगा इसके अंदर, यहाँ पर क्योंकि स्फेरिकल नहीं है, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे है, तो हमने ऊपर वाली लेयर को एपिब्लास्ट और नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कह दिया है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इस डिस्क की, ये क्या कहलाएगी, एपिब्लास्ट, और नीचे वाली लेयर क्या कहलाएगी, येलो वाली, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब ये येलो ब्राउन ग्रीन पिंक ये सब क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ फ्लूइड्स देखा है, स्फेरिकल है क्योंकि डिस्क की फॉर्म में है, इनकम्प्लीट है तो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, नीरोब्लास्टिक फ्लूइड। फिर हमने देखा है कि स्लिवेज के बाद एक लेयर फॉर्म हुई है डिस्क की, ठीक है, और उसमें कोई स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में, ठीक है, ब्लास्टोडर्म कहा है हमने इसे, और ये मॉड्यूलर स्टेज है। फिर हमने देखा कि ब्लास्टुला की स्टेज आएगी जिसमें ये सेल्स एक दूसरे से, यानी कि ब्लास्टोडर्म के सेल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, और ऊपर वाली लेयर एपिब्लास्ट कहलाएगी, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट कहलाएगी, और बीच में ब्लास्टोसील आ गई है, बस। तो फिलहाल ये हलवा था, असल कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो मॉड्यूलर गैस्ट्रुलेशन में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ ये वाली चीज़ क्लियर है, मैं कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम आराम से डिस्कस करेंगे।